खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजे हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से, खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की बढ़त से 39 रन पीछे है, जबकि उसके 4 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन इस टेस्ट की लगातार दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली के फ्लॉप होने से फैंस निराश हैं। टीम इंडिया के दिग्गज VVS लक्ष्मण ने खेल के बाद बताया है कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से विराट कोहली से इस टेस्ट में चूक हो गई। तीसरे दिन के खेल के बाद स्टार स्पोर्ट्स के शो में VVS लक्ष्मण ने कहा कि विराट जैसे अटैकिंग खिलाड़ी को कंडीशंस का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मण ने मैच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा, विकेट काफ़ी धीमा था जिस पर बहुत ज़्यादा स्विंग भी नहीं दिख रहा, इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने अलग रणनीति अपनाई और बल्लेबाजों के शरीर पर अटैक किया। मैंने ये देखा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज़्यादा डिसिप्लिन थे, कप्तान विराट कोहली को ज़्यादा अनुशासन और सब्र दिखाना चाहिए था। लक्ष्मण ने आगे बताया कि विराट कैसे फंसे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब कोई स्ट्रोक खेलने वाला खिलाड़ी कम स्कोर पर होता है उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, तो वो बहुत अधिक रन बनाना चाहता है, वो गेंदबाजों पर अटैक करता है, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज विराट के जाल में ही नहीं फंसे और बिल्कुल अलग तरह से गेंदबाजी की। उन्होंने विराट को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया, जबकि विराट को स्टंप्स पर गेंद मिल रही थी वो रन बना रहे थे, जब रूम मिल रहा था तब भी वो आसानी से खेल रहे थे, लेकिन जब भी शॉर्ट पिच गेंदें उनके शरीर के पास आई तो वहां पर विराट के सब्र का टेस्ट हो रहा था। VVS लक्ष्मण आगे भी बात करते हैं और कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के सभी 4 बड़े बल्लेबाज स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो अपने रन तेज खेलकर ही बनाते हैं, लेकिन इस सीरीज में हमने अब तक जो देखा है, खासकर विराट के केस में, न्यूजीलैंड के गेंदबाज उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिसिप्लिन विराट से पारी की शुरुआत में हम देखते थे वो अब मिसिंग है। यहाँ तक कि दूसरी पारी में भी वो बेपरवाह ड्राइव शॉट खेलते दिखे, जो कि हम विराट से ओवरसीज कंडीशन में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की कंडीशंस पर किस तरह से खेला जाना चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं कि इस तरह की कंडीशंस पर आपको ऊपर पिच हुई गेंदों को कम से कम पारी की शुरुआत में इज्जत देनी होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की पहली पारी में केन ने अपनी पारी को संभाला, वैसे ही हमें भी न्यूजीलैंड अटैक को संभालना चाहिए था। अब भले विराट कोहली और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ना चल सके हों, लेकिन अब भी टीम के पास अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। रविचंद्रन अश्विन भी कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 39 रन पीछे है, जबकि अब भी टेस्ट में 2 दिन का खेल बचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर आप Facebook पर इसे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं हूँ विपिन, शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए Instagram पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।